नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे नॉन। आज हम नॉन बिना तंदूर के बनाने वाले हैं। वैसे तो नॉर्मली तंदूर में नॉन बनाते हैं, लेकिन आज हम बिना तंदूर के बनाएंगे और तीन प्रकार के नॉन बनाने वाले हैं। एक है लच्छा नॉन, दूसरा है नॉन और तीसरा है नॉन लच्छा गार्लिक। ऐसे तीन प्रकार के नॉन बनाएंगे। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के दबाएं और चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन बनाना। नॉन बनाने के लिए हमें तीन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। 250 ग्राम मैदा है, ये गार्लिक है, हम गार्लिक नॉन लच्छा बनाने वाले हैं इसलिए गार्लिक। दही है एक प्लेट के करीब, एक टेबल स्पून शक्कर है, चीनी हाफ टेबल स्पून के करीब, सोडा है और स्वादानुसार नमक और तेल। नॉन बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार कर ले। डो तैयार करने के लिए हमने मैदा लिए हैं। मैदा में ही स्वादानुसार नमक डालें, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, सोडा डालें खाने का, चीनी डालें, दही डालें, दही पूरा डाल लेना है, एक प्लेट है पूरा डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा तेल डालें, 2-3 टेबल स्पून के करें और मिक्स कर लें। डो तैयार करते समय पहले ही सबसे पहले पानी ना डालें, नहीं तो हमारा डो गीला हो जाएगा। थोड़े थोड़े करके पानी डालना है और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम में रोज़ एक नई रेसिपी डालती हूँ और अपना किचन टिप्स भी डालती हूँ एक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। हमारा डो रेडी हो गया है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रखें। जब तक कि हमारा डो सेट होता है तब तक हम लहसुन को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लेना है हमें। लहसुन चॉप हो गया है, तवा गरम करने रख दे। तवा हमको नॉन तंदूर बनाना है इसलिए तवा को हमको बहुत ही अच्छे से गरम करना है, इसलिए तवा गरम करने रख दे। हमारा डो लगभग रेडी हो गया है, हमको इसकी लोई बना लेना है। हमें सबसे पहले सिंपल नॉन बनाना है, इसे बेल ले, रोटी की तरह हमें बेलना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह बेल ले। ये रोटी की तरह बेल के हो गया है, इसमें ऊपर में पानी लगाना है, हमें नॉन बनाना है इसलिए पानी लगा लें और अच्छी तरह फैला लें इस तरह पानी को। जिस साइड में हमने पानी लगाए हैं, हमारा तवा अच्छी तरह गर्म हो गया है, जिस साइड में हम पानी लगाए हैं उसी साइड में देखिए नीचे की तरफ रखना है, जिस साइड में हम पानी लगाए उसी साइड में नीचे। ये देखिए कितने अच्छे से फूलने लग गया है, इसे तवा को पलटा ले इस तरह। पलटाने के बाद में इसे इस तरह गैस में पकाना है। ये देखिए हल्का हल्का पक रहा है, इसी तरह इसे गैस में पकाना है, अच्छी तरह सभी बाजू में पका ले, तभी ये तंदूर का काम करेगा। ये देखिए हमारे पक रहे हैं तंदूर। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है, ये फुल्ला भी बहुत ही अच्छे से है और पीछे देखिए कितने अच्छे से पक गया है। इसी तरह हमें बाकी के भी नॉन बना लेना है, इसे निकाल ले। पहला नॉन तैयार हो गया है, अभी बनाना है नॉन लच्छा गार्लिक, उसके लिए बेल ले। हमें इसे लच्छा बनाना है इसलिए इसे सबसे पहले ये देखिए इसे पकड़े ऊपर से और इसे इस तरह करें, इसे इस तरह पकड़े और इसे इस तरह, मतलब कि हमको मोड़ना है थोड़े थोड़े देर में। देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह परत बन गया है और इसे इस तरह फोल्ड करना है ताकि हमारे ये जो है लेयर लच्छा बन जाए, इसलिए इस तरह फोल्ड करना है। और ये जो लास्ट का है इसे इस तरह जैसे पगड़ी बनाते हैं मिसल बिल्कुल उसी तरह इसे यहाँ पर प्रेस करना है और ये बन गया है और इसे हमको बेलना है। इसके ऊपर गार्लिक डाल लो इस तरह और इसे थोड़ा प्रेस करिए गार्लिक को।
इसे पलटा ले। पलटाने के बाद में इसमें पानी डालना है, पानी लगा लेना है ताकि हम तंदूर में इसे सेक सके तंदूर की तरह, इसलिए पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद में इसे गरम तवा में रखें इस तरह, और थोड़ा सा प्रेस कर लें। इसको भी बिल्कुल सेम उसी की तरह पकाना है जैसे कि हम पहले नॉन पकाए हैं, उसी तरह पकाना है। देखिए पक रहा है, ये हल्का थोड़ा जलने लगे इस तरह इस टाइम में हमें निकाल लेना है। ये देखिए हमारा हल्का जलने लग गया है, मतलब कि हमारा जो तंदूर है सॉरी नॉन है वो पक गया है। इसे निकाल ले। इसे आप बटर नॉन भी बना सकते हैं, इसके ऊपर बस बटर डाल लें और सर्व करें तो ये बटर नॉन हो जाएगा। अभी बनाना है सिंपल नॉन लच्छा। इसे देखें और इसे इस तरह लेयर बनाना है हमें। इसे थोड़ा दबा ले, इसी तरह दूसरा लेयर, इसी तरह तीसरा लेयर, इसे थोड़ा हल्का दबा ले इस तरह, और जो ये इसको इस तरह रखे और इसे फोल्ड करे इस तरह, इस तरह, और इसे पगड़ी की तरह दबा ले इस तरह। ये हो गया हमारा सिंपल लच्छा का डो। आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको वो रेसिपी जरूर बना के दूंगी। ये हल्का जलने लग गया है, ये देखिए इस तरह हमारे नॉन तंदूरी पक गया है लगभग। ये बहुत ही आसान तरीका है तंदूर बनाने का बिना तंदूर की। ये देखिए लगभग पक गया है, इसे अब निकाल ले। इस तरह तंदूर बनाए, ये बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरह बनाएं, खाएं और मेरे चैनल लक्ष्मी मसगाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।